चीजें डलना, लवाजमा डलना शुरू हो गए भाई। तो ये अदरक लहसुन और सारा कुछ यही पकता है भाई, ये देखें जो कुछ बन रहा है यही बन रहा है आंखों के सामने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है भाई। आज हम सोच रहे थे कि कुछ जरा गाड़ी के हवाले से कुछ मालूमात दी जाए, थोड़ी गाड़ी तब्दील करने का सोच रहा था मैं। हमने सोचा कि आए ज़रा यहाँ पर देखें कौन सी गाड़ी रेंज पर आती है। लेकिन भाई मतलब माशाल्लाह जो गाड़ियों के रेट है ना वो आपके वो तोते उड़ा देगा, थोड़ा तबक रोशन हो गया हमारे भी। तो हमने सोचा जो चला रहे हैं वही चलाते हैं, और जब यहाँ पर आ गए हैं तो फिर कुछ खा के चलते हैं। यहाँ पर बड़ा मशहूर है संडे बाज़ार का यखनी हैदराबादी पुलाव, तो आज वही चल के खाते हैं और उसी की वीडियो बनाएंगे। यहाँ की वीडियो भी नहीं बना रहे आज, नहीं यहाँ से लेना नहीं और वीडियो भी नहीं। ये लगा हुआ है खाने वालों का रश देखें, और ये लाइन लगी हुई है, ये जो लोग हैं जो बैठ गए हैं। और ये अगर मेरे पीछे मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये माशाल्लाह पूरा रश लगा हुआ है सिर्फ बहुत ही आप पुलाव खाने के लिए। यखनी पुलाव के इतने दीवाने हैं भाई यहाँ के लोग, पाकिस्तान के साथ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई क्या पुलाव खाने आए हुए हो गौसिया का फिर? जी आज संडे था तो हमने सोचा पुलाव खा दें। अच्छा संडे का क्या सीक्रेट है, संडे को ही क्यों आते हैं लोग ज्यादातर? संडे को फारिग होते हैं लोग, और आमतौर पर यहाँ पर रश भी ज्यादा होता है। सुना है कि संडे को इनका पुलाव बेहतर होता है। अच्छा दिनों के नहीं मिलता, मैंने सुना। अच्छा अच्छा सुना है, बाजार भी लगता है। हाँ संडे बाजार भी लगता है तो उस वजह से रश तो होता है। लेकिन ये आपने नई बात बताई कि संडे को मैंने ट्राई किया, आम दिनों में मैंने खाया तो उस दिनों मुझे वो टेस्ट नजर नहीं आया था जो संडे को। बस संडे को ज्यादा जोशो खरोश होता है। हाँ ये बात, तो मतलब लोगों को रेकमेंड कर रहे हैं कि गौसिया लाजमी लाजमी आए, लाजमी आए, लाजमी आए, बेहतरीन है। तो माशाल्लाह कहाँ से आए हैं आप खाने के? सफूरा गढ़ से। सफूरा जोरंगी से आए हो भाई खाने, इतने दूर मतलब इतना पसंद है यहाँ का? जायका अच्छा है इसका भाई, जायका अच्छा है यहाँ का। तो वैसे पहले आए हो कभी या पहली दफा खा रहे? नहीं पहले भी आए। पहले भी आए हो, है मतलब मजेदार है कराची का नस्ली यखनी पुलाव बोल रहे हैं फिर? वीआईपी बोलेंगे, वीआईपी है। ये देखें भाई पतीला भी खाली हो गया था, तो अब ये बिल्कुल फ्रेश पतीला जो है अभी जा रहा है। अभी हमें तकरीबन आए हुए 15-20 मिनट हुए हैं, पतीला जो है खाली हो चुका है। ये भाई लेके जा रहे हैं हमारे, ये देखें ये वाला पतीला खाली हो चुका है। ये आ गया, हट जाओ भाई हट जाओ, ये आ गया भाईजान पतीला गर्मा गर्म। और ये इसको आप खोलेंगे, इसका इंतजार कर रहे हैं भाई के खोलने का। यानी ये टोकन मैंने ले लिया यार, एक दे दो भाई, हमें भी दे दो यार भाई। अब हमारी जो है प्लेट बना रहे हैं, ये देखें भाई ये देखें, हाँ जवान हो जाएंगे ऐसा पुलाव है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाई, तो गर्मा गर्म पुलाव। मैं आपसे ये कह रहा था कि यार हम आए तो वहाँ थे लेकिन वहाँ समझ में नहीं आया, थोड़े पैसे कम पड़ रहे, बल्कि बहुत कम पड़ रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ पेट पूजा कर ली जाए। तो और आप देख लें माशाल्लाह से भाई, ये देखें बोनलेस गोश होता है, ये देखें ये ओहा। अच्छा चंद महीने पहले मैंने अल तबक्का जो सामने है ना इसके बिल्कुल उसकी बनाई थी, उसका जायका भी बहुत अच्छा था यार, मतलब नो डाउट बहुत अच्छा है, हैदराबादी यखनी पुलाव था। लेकिन मैंने इनका भी खाया तो मैंने कहा सोचा एक बार फिर ट्राई करते हैं और जरा बताते हैं कि आपको उनका जायका वैसा ही है या अल तबक्कल का ज़्यादा अच्छा हो गया है। चावल आपको किला किला महसूस होगा, नज़र आ रहा है, और हाथ के हाथ बनता रहता है, हाथ के हाथ जाता रहता है, एक पतीले के बाद दूसरा पतीला। अरे इतवार के अंदर माशाल्लाह ये कोई 25 पतीले निकालते हैं माशाल्लाह, मेरे सामने कॉम्पिटिशन भी है इनके, उसके बावजूद माशाल्लाह अल्लाह रिज़्क़ देता है भाई, कॉम्पिटिशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं ना हमको यखनी पुलाव, यानी आपको आभी पुलाव वाला चावल बिल्कुल थोड़े से हल्के से मिक्सचर हो जाते हैं पानी की तरह ना, पानी हल्का सा पानी होता है इसके अंदर, खुश्क नहीं होते बिल्कुल चावल, बड़ा अच्छा बड़ा मज़ा आता है। फिर हरी मिर्च का पेड़ और टमाटर की जो टमाटर का जो पेड़ बन जाता है हल्का हल्का टूटे हुए टमाटर, अदरक लहसुन की जो खुशबू है बहुत अच्छी है, हरा मसाला बेहतरीन, यानी आप अभी तक बोटी के बगैर भी खाओगे तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। और देखिए ये होती है इसकी जान, चर्बी वाला गोश्त पुलाव के अंदर अगर आपने चर्बी वाला गोश्त खाया तो क्या बात है। भाई चर्बी वाला तो गोश्त आपको चिकना गोश्त पुलाव में बहुत ज़्यादा मज़ा करता है और मज़ा कर रहा है। अब खाते हैं बोटी के साथ, अगर आप बोटी में नमक तेज लग रहा है लेकिन चावल में मेहनत कर रही है, क्योंकि अगर आप चावलों के साथ ही खाते हो साथ में तो कोई दिखाओगे नहीं। तो भाई ये जो प्लेट है ना ये 140 रुपये की है, और हमारे पीछे कोई 1 किलो 2 किलो आधा किलो आमदरा गरीब लोग हैं, थोड़ा थोड़ी कम मंगाई है तो भूख भी कम थी, मगर भाई ए बड़ी मजे की भूख ना
थोड़ा सा भूख थे कि हल्की फुल्की भूख थी तो हमने कहा खा लेते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा, इसकी लोकेशन यही है कि भाई इतवार कार बाजार, और कार बाजार के साथ आएंगे तो कुछ खा के जाइएगा यहाँ पर। अल्लाह हाफिज़।